नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और बहुत स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। दर्शकों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में बिहार के गया में वंश के द्वारा अपने पितृ के लिए श्राद्ध, दर्पण, पिंडदान आदि करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो गया जी नहीं जा पाते, वो पितरों की मुक्ति के लिए घर पर ही श्राद्ध, दर्पण व ब्राह्मण भोज कराते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पितर होते कौन हैं? कितनी पीढ़ी तक पितर माने जाते हैं कि पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, जो कि भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। पंचांग के अनुसार ये वर्ष का मध्यम समय होता है। वहीं आसान शब्दों में कहा जाए तो परिवार या रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें पितृ कहते हैं। गरुण पुराण में व्याख्या है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति प्रेत रूप धारण कर यमलोक की यात्रा करते हैं। इस दौरान परिवार के द्वारा पिंड करने से उनके यमलोक की यात्रा तय करने में बल मिलता है। जो अच्छे कर्म किए होते हैं तो देवलोक या फिर पितृलोक में रहते हैं। वहीं कुछ प्रेत आत्माओं को अपने कर्मों अनुसार प्रेत योनि में भी रहना पड़ता है। अब बात आती है कि कितने पीढ़ी तक पितृदोष लगता है या कहलाता है। शास्त्र बताते हैं कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान करना, श्राद्ध, तर्पण आदि कराकर प्रसन्न किया जाता है। वायु पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर वास करते हैं, तो वहीं 3 पीढ़ियों को पितृ माना गया है। पितृ कुल से पिता यदि उनकी मृत्यु हो गई हो, दादा परदादा शामिल होते हैं। वहीं मातृ कुल में नाना पर नाना और उसके ऊपर के एक वृद्ध पर नाना होते हैं, यानी 3 पीढ़ियों को पितृ कहते हैं और पितृपक्ष में इन्हीं की पूजा की जाती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पहला ऋण होता है देवी देवताओं का, दूसरा ऋण होता है ऋषि का, जो मनुष्य को सही राह दिखाते हैं, सही रास्ते पर चलना बताते हैं, और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण, यानी कि हमारे पूर्वजों का, और इन्हीं के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं पितृ ऋण उतारने का समय पितृपक्ष होता है। पितृ ऋण उतारने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि आवश्यक है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।